हेलो एंड वेलकम टू द 10th एंड लास्ट एपिसोड ऑफ दिस स्पेशल वर्ल्ड कप प्रीव्यू बाय क्रिकेट कल्ट ब्रॉट टू यू बाय परिमैच हू हैव बीन काइंड इनफ टू सपोर्ट अस एंड दिस इज ओनली बीन पॉसिबल ड्यू टू योर लव एंड सपोर्ट सो थैंक यू सो वी सेव द बेस्ट फॉर द लास्ट वी स्पोकन अबाउट ऑल द अदर 9 टीम्स नाउ इट्स टाइम फॉर टीम इंडिया और टीम भारत जैसा आजकल चल रहा है सो देयर प्लेइंग 15 आई एम श्योर आप सब वाकिफ होंगे इनकी प्लेइंग 15 से इनकी स्क्वाड ऑफ 15 से सो हियर गोज प्लेइंग 11 ऑल्सो बेसिकली अपार्ट फ्रॉम वन और टू नेम्स पिक देमसेल्व्स अप सो इट्स शुभमन गिल एंड रोहित शर्मा विल ओपन विराट कोहली देयर टॉप थ्री देयर बिगेस्ट स्ट्रेंथ आई हैव गॉन विद श्रेयस अय्यर एट नंबर 4 नंबर 5 KL राहुल एट नंबर 6 हार्दिक पांड्या रविंद्र जडेजा अक्षर पटेल एट 8 you've got Jasprit Bumrah at 9, Kuldeep Yadav at 10 and Mohammad Siraj at 11. Of course, when pitches are a bit seamer friendly, Akshar will go out and Shardul Thakur will replace him. But considering their first match is against Australia in Chennai, this should be their playing 11. So their biggest strength are obviously their top three in Shubman Gill, Virat Kohli and Rohit Sharma. They have been in incredible form. I was to be honest, अभी तक एशिया कप का रिजल्ट नहीं आया. The day we are shooting this is one day before the final of the Asia Cup between India and Sri Lanka. But they of whatever I've seen, I think India ने सारे doubts dispel कर दिए. They are a top team and with the home advantage, they are top contenders. I would say outside of Australia to lift the World Cup. But still, there are some weaknesses that remain. हमने देखा against Bangladesh, जब थोड़ा सा ball turn होता है ना तो I don't know why last 3-4 years से Indian team थोड़ा सा struggle करती है. हमने श्रीलंका के साथ भी in the league match को देखा था जब 213 पे team निपट गई थी. तो मेरे को लगता है कि जैसे we are playing England in Lucknow, we are playing Australia in Chennai, we are playing Afghanistan in Delhi. These will be challenging pitches, especially against these top teams. And Afghanistan, main isliye bol raha hu kyunki they are a top spin bowling attack. Obviously, India start favorites. India should win that game, but thoda sa ye weakness to rahegi. दूसरा हमने देखा कि जब स्पिन फ्रेंडली ट्रैक्स थे तब भी इवन दो अक्षर पटेल डिड रियली रियली वेल विद द बैट ही कुड नॉट ही वॉज प्रॉब्ली द ओनली स्पिनर हु कुड नॉट गेट एनी सपोर्ट फ्रॉम द पिच हु कुड नॉट टर्न द बॉल सो दैट विल बी अ कंसर्न रविंद्र जडेजाज बैटिंग इज अ कंसर्न मतलब अक्सर बैटिंग अच्छी कर रहे हैं बॉलिंग नहीं कर पा रहे रविंद्र जडेजा बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं बैटिंग नहीं कर पा रहे तो वो थोड़ा सा बट जडेजा इज़ अ चैम्पियन प्लेयर जैसे कि हमने देखा था आईपीएल में वो बैटिंग में स्ट्रगल कर रहे थे फिर उन्होंने फाइनल छक्का और चौका मार के जितवा दिया तो वी एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम जड्डू बट अपार्ट फ्रॉम दैट एज आई सेड केएल राहुल्स रिटर्न एंड विद बिग बैंग रन्स दैट इज़ अ ह्यूज पॉजिटिव फॉर टीम इंडिया मतलब दैट जस्ट चेंजेस द कॉम्प्लेक्शन ऑफ द टीम हार्दिक पांड्या द वे ही इज़ बोलिंग आई थिंक जो भी लोग कह रहे थे कि सिराज शमी बुमराह तीनों को खिला दो वो सब डाउट्स डिस्पेल कर दिया हार्दिक पांड्या इज़ द आइडियल इवन इफ शार्दुल ठाकुर प्लेज इज द आइडियल थर्ड सीमर इन दिस टीम जो बाबर को उन्होंने बॉल डाली थी वाओ अमेजिंग एंड वी इवन सॉ द इनिंग्स दैट ही प्लेड अगेंस्ट पाकिस्तान इन द रेन्ड आउट मैच इन द एशिया कप बहुत बढ़िया इन्होंने 80 ऑड की इनिंग्स खेली थी तो ही विल बी रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड इफ वी रिमेन फिट Everyone remains fit, then I think this is India's golden chance to win the World Cup. So let's hope that the men in blue do it, but it won't be easy. This is, as I keep saying, this is the most open World Cup there has been for ages, and let's see how it goes. So please give us your feedback of what you feel. Time for pari-match predictions. So I pick Shubman Gill to be the highest run scorer for India. उनको पिचेस भी सूट करती है इंडिया की ही इज बीन इन इनक्रेडिबल फॉर्म और क्या सेंचुरी मारी थी उन्होंने इन टफ कंडीशन सो आई एम पिकिंग हिम एंड कुलदीप यादव आई एम गोइंग टू पिक एज द लीडिंग विकेट टेकर फॉर इंडिया इन दिस वर्ल्ड कप
जसप्रीत बुमराह won't be far behind, and उनका भी return has been a huge positive. He is probably as important to this team as a Virat Kohli or a Rohit Sharma or a Hardik Pandya for that matter. So that is again a huge positive. So let us know what you feel. What do you think of the Indian team's chances? Do you think जैसे मैंने बोला ऑस्ट्रेलिया शायद मैं नंबर वन पे रखूँगा इंडिया को नंबर टू पे. Do you agree with that or would you want to change that? Let us know in the comment section. Reach out to us, follow us on various social media platforms. We're at Cult Cricket on Twitter. We're Cricket Cult Official on Instagram. We're Cricket Cult on YouTube. And for all the latest updates, including injury updates, please visit our website cricketcult.com and let us know what you feel. Thank you and thank you for supporting us.